सो ए व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और ये वीडियो हम लोग की होने वाली है कलहारी हाइडिंग प्लेस, क्योंकि हम लोग की जब कलहारी नहीं आई थी तो कोई इसको खेलता नहीं था और कोई कलहारी की हाइडिंग प्लेस को कोई सीरियसली नहीं देता था। लेकिन अब जब परगेट्री हट गई है और ये कलहारी आ गई है तो बहुत दिक्कत हो रही है मुझे भी रंग कुछ करने में, क्यों हम लोग को जनरली इसके बारे में पता नहीं, तो बंदे कहाँ कहाँ से रह रहे कि हम लोग को मार जा रहे पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आपको भी रैंक पुश करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ हीरोइक पे एक स्टार लेने, क्योंकि आज तक हीरोइक पे एक स्टार लिया नहीं। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सो गई, ये जो हमारी नई सीरीज हिडन प्लेसेस ऑफ कलहारी, इसकी मैं सीरीज मैं जल्दी जल्दी लाते रहूँगा, क्योंकि अभी ये नहीं आए तो आप लोग को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं ये लाते रहूँगा जल्दी जल्दी। तो गई इस वीडियो सपोर्ट दिखाना। ये हम लोग की जो फर्स्ट हाइडिंग प्लेस है वो वर्क करती है यहाँ फाउंडेशन में। मैं आपको मैप पर जूम करके दिखा दे रहा हूँ कि मैं एक साथ कहाँ हूँ। अगर आप यहाँ पर छुपोगे तो और इस जगह में पूरी स्क्वाड भी छुप सकते हैं, ये मैं सोचना कि आप अकेले छुप सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप प्रोन होकर किसी अपने फ्रेंड के अंदर घुस सकते हो, वैसे यहाँ पर भी आप पूरी स्क्वाड लेके एक ही पोजीशन में सब बैठ सकते हो, अलग अलग बैठ सकते हो। और अगर कोई एनिमी सामने आता है तो चारों उठ के मारो तो सोचो कैसा लगेगा। कहीं से भी एनिमी आएगा आप वो आपको नहीं देख पाएगा। आप अगर हल्का सा भी एक्सपोज हो गए तो आपकी चारों अगर टीममेट उठ के मारेंगे तो भाई उसका तो खेल वहीं ख़त्म है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप इस तरीके से आके यहाँ पे आप लेट सकते हो, यहाँ से आपको कोई नहीं देखता, जनरली यहाँ पे कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग के ट्रिक नंबर टू की तरफ। सो गाइस, ये हमारी जो ट्रिक नंबर टू है, हिडन प्लेस नंबर टू है, ये भी फाउंडेशन में ही वर्क करती है। ये प्लेस में आप इस तरफ यहाँ पे आके भी यहाँ पे एक ऐसी बनी हुई, आप यहाँ पे आके अपने पूरी स्क्वाड को भी लेके ले सकते हो और आप यहाँ पे अपनी रैंक पुश बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन अभी आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि अभी हैकर्स बहुत आ रही है, विराज के हमले तो नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ जाते हो वहीं से हैकर कोई ना कोई स्नाइपर उठाएगा डायरेक्ट हेड 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 हेड। क्या करें भाई, 80% का ऐसे ही नूबड़े लोग हेड पर ले लेके रैंक खेलते रहते भाई, क्या करें। तो चलो ये भी एक ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, जो हमारी ट्रिक नंबर थ्री है, ये हमारी वर्क करती है बेफॉन्ड में। या आप, मैं इसको यहाँ पे मैप पे जूम करना भूल गया, लेकिन आप यहाँ पे मिनी मैप में देख सकते हैं कि पूरा अच्छे दिखाई दे रही है। पहली ट्रिक तो इधर ये है कि आप ऊपर से इस तरफ ऐसे डब्बे के ऊपर जाके, दीवार के ऊपर जाके यहाँ पे आप एक अपने टीममेट को बैठा के इसके ऊपर जा सकते हो बहुत ईजिली। या फिर आपको अगर इस पूरे स्क्वाड को जाना है एक, तो आप नीचे से वॉल लगा के भी अपनी पूरी स्क्वाड ले जा सकते हो। और आप यहाँ, ये हमारी ट्रिक नंबर टू है, ये जो आप देख सकते हो यहाँ जो दो दो ये बने रहते हैं, इधर से आपको कोई एनिमी देख नहीं पाएगा। आप एक जस्ट के पीछे जाके ऐसे करके आप छुप सकते हैं और आप गन हाथ में रखना जनरली, क्योंकि जो अगर एनिमी गलती से भी सामने आता है उधर लेके अपना किल कन्फर्म करके अपना KD बढ़ा सकते हो वगैरह देख सकते हो। या फिर आप देख सकते हो यहाँ से देख सकते हो जैसे कि उस तरफ का जो एक ये था छोटा सा घर, उसमें ऊपर से वो था गड्ढे नहीं थे उस घर के ऊपर छत पे, लेकिन इस घर में ऊपर छत पे हैं गड्ढे हैं। तो आप यहाँ पे एक अपने दोस्त को बैठा सकते हो उसके ऊपर से चढ़ के, आप ये ट्रिक यूज़ करती है। आप क्लैश कोड में भी यूज़ कर सकते हो, ये ट्रिक बहुत ही यूज़ होती है क्लैश कोड में, मैंने जनरली देखा, क्योंकि मेरे हीरोइक पे अभी 15 स्टार चल रहे हैं। तो गाइज, अभी हम लोग बिना टाइम गवाए चलते हैं हम लोग के नंबर ट्रिक नंबर फोर की तरफ। सो गाइस, ये हमारी ट्रिक नंबर फोर है, ये वर्क करती है हमारी रिफाइनरी की तरफ। आप रिफाइनरी के पीछे देख सकते हो कि यहाँ से गैप बनी हुई है, आप इसके पीछे जा कर के यहाँ इस जहाँ पे इस जगह तरह से आप छुप सकते हो। या तो आप चाहो तो आप इस तरफ एक कंटेनर रखे, वो बहुत ही दीवार से सटी हुई है, तो आप इधर आके बैठ सकते हो। लेकिन इसमें एक इशू है क्योंकि यहाँ से बहुत ओपन है, अगर यहाँ पे कोई बंदा आ तो आपको ईजिली मार सकता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी हाइट एडवांटेज होगी और अगर वो हल्का सा ड्रैग करेगा तो आपको हेड लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो उससे बढ़िया आप यहाँ पर आ सकते हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ के बीच एक छोटा सा गैप है, आप इधर से आप चढ़ के आप जस्ट जंप स्पैम कर देना किसी कोने में आकर के। आप ऐसे ही जंप स्पैम करते करते थोड़े ऊपर जाके आप वहाँ पे एक फेयर फ्लैट सरफेस होगा, आप उधर जाके भी आप वहाँ पे प्रोन हो सकते हो या फिर बैठ सकते हो, जो यहाँ से आपको कोई एनिमी मार नहीं पाएगा जब तक वो ऊपर से कूदेगा नहीं, या फिर यहाँ से सेम ट्रिक नहीं करेगा, या फिर वो थोड़े से लॉन्ग रेंज में रहेगा तो आपको मार सकता है। लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ऊपर आ गया, यहाँ पे आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, कोई मार नहीं पाएगा अगर आप प्रोन हो जाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार का कवर रहेगा। सो एट दी एंड आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और हम लोग बिना टाइम गवाए चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर फाइव की तरफ। सो गाइस, ये जो हमारी ट्रिक नंबर फाइव है, यहाँ पे ये डिफेंडरी पर ही है, आप इधर देख सकते हो कि मैप में मैं इस तरफ आ चुका हूँ। लेकिन ये आप ट्रिक क्लास कोड में नहीं कर सकते क्योंकि इस तरफ जोन आ जाता है,
बहुत ही जल्दी और ये सब जोन बना ही रहता है ऑलरेडी इस हाइडिंग प्लेस में। आप देख सकते हो कि आप कुछ इस तरह इसके ऊपर से आकर, अगर आप यहाँ पे, मैंने कुछ गलती से मैंने ऊप जाते जाते ये फाइव पंच का बटन स्पैम कर दिया तो इसलिए मैं गिर गया। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको ये रेलिंग पे आता है, और अगर एक गरीना को पता चल गई तो वो जनरली हटा देंगे, लेकिन पता तो चल तो गई थी बहुत ही पहले जब ये आई थी, लेकिन तब मतलब हारी कोई खेलता नहीं था तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो अभी आप जल्दी से अपना रैंक पुश कर लो यहाँ पे बैठ करके, और आप यहाँ से आपको गोली पड़ेगी अगर आपको आप स्पॉट हो गए तो। अगर यहाँ से गोली मारोगे तो यहाँ से आर पार भी होती है गोली, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे आप टोटली इनविजिबल हो जाओगे, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको कोई एनिमी स्पॉट नहीं करें। यहाँ पे कोई लाइट, अगर जब भी कलहारी खेलो तो आप एक लाइट कपड़ा पहनो, और अगर आपको चाहिए कि एक हुक गन जो अभी कलहारी में मिलती है उस पर एक स्पेशल वीडियो बने कि आप हुक गन से कहाँ कहाँ जा सकते हो, उसे क्या क्या कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए पीस आउट। ले हवे में क्या तुम अभी चांद भरो, तू कोशिश कर, शुरुआत में थोड़ा सा सफर है, काम करते साथ में हाँ रखना थोड़ा सबर है, पैसा डबल है जब भी तेरा वक्त आएगा, किसी की गरज नहीं रखना मेहनत करके लाएगा, इंडिया में बज रहा था गाना दुनिया बजाएगा, पैसा कमाना आसान है प्यार कैसे लाएगा, स्विमिंग पूल छोड़ अपन समंदर में नहाएगा, फिर से मचाने बोले हाँ फिर से मचाएगा।